नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। आपके साथ हूं मैं ज्योति वर्मा। खबर भरतपुर के बयाना से, निजी विद्यालय के साइकिल सवार शिक्षक को पीछे से मोटरसाइकिल सवारों ने मारी गोली। बयाना से, एक निजी स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर मुरारीलाल शर्मा अपने गांव ब्रह्मबाद जा रहा था। रास्ते में टोल प्लाजा से आगे गांव के पास ही पीछे से आ रही बाइक सवार दो जनों में से पीछे बैठे युवक ने टोपी वाली बंदूक से मुरारीलाल में गोली मार दी, जिसके चरणों से मुरारीलाल घायल हो गया। जिसकी आवाज से रोड पर चलते लोग रुक कर मुरारीलाल के पास आ गए और बताया कि मोटरसाइकिल वालों ने गोली चलाई थी। मुरारीलाल ने बताया कि गोली चलाने वालों की हिम्मत देखिए, मोटरसाइकिल रोक कर क्या कि बाबा क्या हो गया। घायल को बयाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां बयाना पुलिस की मौजूदगी में पीड़ित का इलाज जारी किया है। जा रहा था टोल से आगे ईगदा के पास, पीछे से किसी ने चलाया, मेरी पीठ में एकदम आग जली, तो मैं चिल्लाया और एकदम उतर के और चल दिया, खड़ा रह गया, मार गया। सामने से एक कार वाला आ रहा था, उसने मुझसे कहा कि ये मोटरसाइकिल वाले ने चलाया है कुछ, और वो खड़ा रहा, मेरे जलन हो रही थी, मैं सीधा बैठ साइकिल पर और घर चला गया। जो अध्यापक बताते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, इनके किसी ने पीठ में छर्रे मारे टोल प्लाजा से आगे। हमें अस्पताल वालों ने सूचना दी, उस सूचना पर अस्पताल में आए, जो कानूनन कार्रवाई होगी हम करेंगे, और जिसका इलाका पड़ेगा उनको सूचना कर दी गई। रुदावल थाने से SI जगदीश जी आ रहे हैं।